कि हमारी पहली स्नोफॉल कैसा लग रहा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम जाने वाले थे नैनीताल, वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ होती, लेकिन यहाँ देखो कि कोई भी नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है। हम मस्ती से मतलब डॉक्टर को दिखाएंगे, जाएंगे जाएंगे भी, जाएंगे भी। एक छुट्टी लिए आराम करने के लिए डॉक्टर को दिखाने गए, नहीं डॉक्टर डॉक्टर के लिए अभी तक टाइम नहीं मिला। फीवर आ गया, फीवर वो भी 101। सो हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज मैं घर पर ही रुका हूँ। कल शाम से स्कूल से आने के बाद से मुझे फीवर आ रहा था, और रात में डॉक्टर के यहाँ से दवा लाए भी थे, तो फीवर रात को उतर गया था। तो फिर सुबह मॉर्निंग में फिर से फीवर आ गया, तो 12 से ज़्यादा बज गए हैं और फीवर अब तो नहीं है फिलहाल तो, लेकिन दवा लेने शाम को फिर से मैं जाऊँगा। आज तो मैंने ऑफिशियल छुट्टी ले रखी है, तो आज घर पर ही हूँ। विजयशी तो स्कूल गई हुई हैं, और देवर मैं और मम्मी पापा घर पर ही हैं। तो अभी तो मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, उठ गया हूँ, 12 बज गए हैं, और फिलहाल तो रेस्ट करने का ही हैगा आज तो, क्योंकि हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द भी है और फीवर की वजह से थोड़ा वीकनेस भी लग रही है। फिलहाल तो घर पे ही रहना है, और मैं ऐसा करता हूँ रेस्ट करना है तो रेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं टीवी पर किसी ब्लॉग चला ले रहा हूँ, कुछ ब्लॉग देख लेता हूँ। सेब नहा लिए, दूधा पी लो, दूधा कहाँ है, ये पी लो, पी लो प्लेट के, पी लेना। अब नहा लिए तो दूधा पी रहे हो, पी लो, अब सो जाना ठीक है। नाक, देव की नाक पकड़ लो, देव की। तो फ्रेंड, सबसे पहले सौरभ जोशी के ही सारे ब्लॉग फ्रंट पे आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं रेगुलर व्यूअर हूँ उनका। तो ये जो इनकी कार फंस गई ना, ये वाला ब्लॉग देखते हैं, रिवर में कार वॉशिंग। तो फिलहाल ये ब्लॉग देखते हैं। तो इस वीडियो मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया है, और अभी उजाला भी हो गया तो मैं बाहर आ गया। तो ये है पूरा रिजॉर्ट जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। उस रोड से हम आए थे, यहाँ पे नदी भी है और ये पूरा रिजॉर्ट है, और यहाँ पे टेंट भी लगे हैं, इसमें भी स्टे कर सकते हैं। बाकी हम तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग एक्चुअली मेरा नहीं था, बट मैं टीवी पर इसको देख कर एंजॉय कर रहा हूँ। तो काफ़ी ब्लॉगिंग अच्छी करते हैं सौरभ जोशी, जाने माने यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं हमारे इंडिया के। तो इनके फैमिली ब्लॉग्स होते हैं, हमारे फैमिली में सभी को पसंद आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं कि किस तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए। तो फिलहाल तो मैं ब्लॉग देख रहा हूँ, उसके बाद में सही है, नॉर्मल टेंट हाउस है। तो यहाँ पे ट्री हाउस ही बना हुआ, देखो इसमें भी स्टे कर सकते हैं। तो ये पूल देखो गाइस, काफ़ी बड़ा है, पानी इसमें भी नहीं है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे झूले वूले भी हैं, टॉय ट्रेन भी है। नहीं नहीं कूद सकते भाई, बहुत ऊपर है, नहीं कूद सकते, नहीं कह रहा। हमारी पहली स्नोफॉल कैसा लग रहा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम जाने वाले थे नैनीताल, वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ होती, लेकिन यहाँ देखो कि कोई भी नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है। हम मस्ती से मतलब तो चलो फिलहाल ऊपर चलते हैं यहाँ से, पर फिर से मत जाना कोई, एक कैमरे भी लग जाएगी भाई। अभी यहाँ तो बहुत तगड़ी है, अरे इसमें तो फिसल नहीं रहे लेंस में, मेरे बर्फ घुस गई। ये देखो पीयूष ने मेरा क्या हाल करा है, कोई बर्फ बर्फ घुसा दी। सौरभ जोशी के काफ़ी ब्लॉग देख लिए कंटिन्यू, और अच्छा लगा ब्लॉग देखकर, और अच्छा लगता है कि ये बहुत कम उम्र में इतना अचीव किया उन्होंने अपनी मेहनत से। फिलहाल मैं रेस्ट करता हूँ, और रेस्ट करने के बाद में देखते हैं, थोड़ी देर में बाइक आ रही हूँ, विजयशी आ रही हूँ। ये तो
तो फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। रहना तो पूरे दिन घर पे ही है, रेस्ट ही करना है। और बस ये हो सकता है कि अगर मुझे ठीक नहीं लगा तो मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो फिलहाल तो अभी रेस्ट करते हैं। कुछ हल्का हल्का फीवर अभी भी है मुझे, तो फिलहाल देव की मम्मा आ गई हैं और देव के कामों में लग गई आते आते। तो देव की शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। देव की मम्मा आ गई और देव बस अभी कमरे में पूरे दिन चहलकदमी होगी इनकी ऐसे। देव क्या मिल गया दिखाओ, दिखाओ क्या मिला, दिखाओ। ढोल वाला आया, ढोल वाला आया, डमरू बजाया ढोल वाला। बेटा सही से बजाओ ना। क्या खा रही हो फिर? एनर्जी ले रही हूँ, एनर्जी। पिस्ता बादाम ये भी है, ये भी है, खा लिया। मैं भी एनर्जी, मैं सेवैया खा रहा हूँ। जबे हमारे यहाँ ऐसे लोकल लैंग्वेज में जबे बोलते हैं, जबे। और ये देखो जरा छोटा सा बच्चा अलग। बेटा बजाओ बजाओ बजाओ, ये क्या गा भी रहे साथ साथ माइक पे? लग रहा है साथ साथ गा भी रहे हैं बेटू। तुम ज्यादा अच्छा गाती हो। पता है आज मैंने क्या किया? आज मैंने 10 सौरभ जोशी की ब्लॉग देखा। 10 सौरभ जोशी की नहीं, सौरभ जोशी की 10 ब्लॉग देखा। अच्छे अच्छे थे, 10 सौरभ जोशी के 10 ब्लॉग देखे, अच्छे लगे। और डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, वो सौरभ जोशी तो बात की बात है। डॉक्टर को दिखाएंगे, जाएंगे जाएंगे भी, जाएंगे भी। एक छुट्टी लिए आराम करने के लिए डॉक्टर को दिखाने जाने। नहीं डॉक्टर, डॉक्टर के लिए अभी तक टाइम नहीं मिला। फीवर आ गया, फीवर वो भी 101। सही बेटा, सही बज रहा है, सही बज रहा है। बजाओ देव, ऐसे बजाना। कैसे बजाना? बजा तो सीख गया। तुम खाने पे डटी हुई हो। लाइट कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे होती लाइट। जाओ देव, कहाँ देव? ये है देव, जाओ कॉम कर दो। जाओ बुला रहा है, जाओ कॉम कर दो, जाओ। अरे नोज पकड़ ली देव ने, देव की नोज पकड़ी गई। देव देव, अच्छा मम्मा को सही सही बताना ठीक है। देव हंसता कैसे है? कैसे हंसता है देव? नहीं रॉन्ग। देव कैसे हंसता है? देव ऐसे हंसता है, कैसे हंसता है एक बार पापा को बता दो। कैसे हंसता है देव? वाह भैया, अरे अरे डराते नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं डराते नहीं है। अरे डर गए। तो गाइस फिलहाल टाइम है शाम की चाय का, तो शाम की चाय का आनंद लेते हैं। देव नहीं पियेंगे, हम पियेंगे चाय। ये देखो देव को भी चाय पसंद आने लगी है। कैसे आती चिड़िया, हमें भी दिखाओ। अच्छा ऐसी चिड़िया उड़ती है, ऐसे उड़ती है। सरकारी माल आया हुआ है, मंथली देव के लिए राशन आता है, 45 गेहूं दलिया और 45 रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। बहुत बढ़िया, अच्छा खेल है तुम्हारा। ये देखो देखे क्या बात है। चीटी लग रही, चीटी। भाई की लाइट जलाओ। ओ भाई देव ने तो लाइट जलाना सीख ली। चलें फिर घूमने चलें, चलें। तो फिलहाल हम देव को घुमाने ले आए थे बाहर,
देखो बाइक पर बहुत अच्छा लगता है। देख अच्छा लग रहा है, हंस दो, अच्छा लग रहा है। सो गाइस वापस घर आ गए हैं, देव आते ही सो गया और फिलहाल रात के 8 बज गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के यहाँ दवा लेने। तो दवा लेने के बाद खाने के बाद रेस्ट करूँगा मैं भी और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और होप मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊँ और आप भी सब अच्छे से रहें। तो तब तक के लिए फिर बाय।